देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत सचिन पायलट से। जी हाँ, कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने रीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी जांच कोई भी एजेंसी करे, लेकिन छात्रों से दोबारा फीस नहीं वसूली जानी चाहिए, क्योंकि छात्र बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचते हैं। उनके जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, बहुत मेहनत से पैसा जुटाते हैं। तो साफ तौर पर सचिन पायलट ने कहा कि जो धांधली हुई है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी दिक्कतें हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। छात्र हमारे देश का भविष्य है, युवा हमारे देश का भविष्य है, तो ऐसे में युवाओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि रीट परीक्षा को लेकर काफी समय से छात्र मांग उठाते रहे, यहां तक कि उनका ये भी कहना कि रीट के जो पद है, रीट उसको जो है बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहां पर तमाम तरह से आज देखा जा रहा है कि हमारा देश का युवा बहुत परेशान है। बहुत बड़े स्तर पर आज बेरोजगारी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, और बेरोजगारी के हालात को देते हुए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम रोजगार दिलाएंगे और रोजगार दिलाकर युवाओं के सपनों को उज्ज्वल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए नमस्कार।